या पड़ोसी के घर कचरा फेंक देना, या अपने घर से जो निकाल दिया कचरा और पड़ोसी के उधर सरका देना, ये सारे हक मारने के अंदर से है। और आज हम देखते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों के अंदर ये लड़ाई, पड़ोसियों के अंदर मोहल्लों के अंदर यही लड़ाई है कि तूने मेरे इधर कचरा डाल दिया, गंदगी डाल दी, तो ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई की वजह, क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं रहे कि वो उसका हक मारना है, तो ये हक देना है। इस तरह जो है, या जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह माउन के अंदर के पड़ोसी का ये भी है कि रिश्तेदारों का कि उसको कुछ चीज़ जो बरतने की चीज़ उधार दी जाए। अगर आपके पास में है और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बर्तन उसने मांग लिया, बाल्टी आपसे मांग ली, ये गाड़ी आपसे मांग ली, तो आप दे सकते थे, आप नहीं दे रहे हैं, आप जबकि दे सकते थे, तो फिर वो भी हक मारना होगा, क्योंकि आप दे सकते थे और आप अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि बरतने की चीज़ को उधार नहीं देते, तो वो भी हक मारने में से आएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 657, कि अल्लाह के रसूल सल्लम ये हक के हक को वाजे के कितना हक का जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने ख्याल रखा है, वो बताया हमको कि कहाँ तक हक देना है। कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि मेरा इरादा ये है कि अगर कोई लोग जो मस्जिद को छोड़कर बिना किसी शरी उज्र के अगर वो घर पर नमाज पढ़ते हैं, तो मैं उनके घर को आग लगा दूँ। एक और रिवायत में आता है कि सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 1249, के अल्लाह के रसूल सल्लम के सामने दो चीज़ें रखी हुई, तो कहा ये और ये चीज़ जो खाएं वो खा के हमारी मस्जिद में ना आए। वो क्या था? वो लहसुन और प्याज था। क्यों? क्योंकि लहसुन और प्याज खाकर आएगा तो उसकी बदबू हराम नहीं है, वो खा सकते हैं, लेकिन कच्चा अगर खाकर फौरन मस्जिद में चला जाएगा तो उससे क्या होगा, उसके मुंह से बदबू आएगी और उसका जो पास में जो पड़ोसी नमाज जो उसका पढ़ रहा है उसको तकलीफ होगी। और मस्जिद के अंदर फरिश्ते भी रहते हैं, तो फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ से तकलीफ होती है फरिश्तों को भी होती है, तो उनको भी तकलीफ होगी उस बदबू से। तो जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लम ये फरमा रहे हैं कि वो मस्जिद आने के लिए कह रहे हैं कि उसके घर के आग लगा दूँ, लेकिन जहाँ हक मारने की बात आ गई तो कह रहे हैं कि फिर हमारी मस्जिद में ही ना आए वो, यानी नहीं आता तो उसके लिए वही थे, और अगर आता है, लेकिन वो अगर इस तरह से आता है कि बंदों का हक मार दे, नमाज पढ़ने भी आ रहा है लेकिन अगर वो बदबू फैला रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है, ऐसी गिजाई खा कर आ रहा है जिससे दूसरों को तकलीफ हो, तो अल्लाह के से मना फरमाया कि हमारी मस्जिद में ना आए। तो ये हक के ताल्लुक से कि अल्लाह के यहाँ तक हक गिनाएं कि इतना हक भी ना मारा जाए कि किसी को आप जो है ऐसी बदबू आप सुंघाएं। तो इसके लिए हमको ये दिया गया उससे पहले कि वज़ू दिया गया, अच्छी तरह कुल्ली करके आप वज़ू करें, या ऐसी कोई चीज़ें आप खाते हैं तो वो खाए ना, या फिर जो है आप ये सब पूरे उसकी बदबू जो जाहिल कर मस्जिद में आए।